हरियाणा रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बीती 7 अगस्त को हुई राज्य स्तरीय हड़ताल में शामिल होने वाले नए ज्वाइनिंग चालक व परिचालकों को नौकरी से हटाने के आदेशों और फरीदाबाद के आला अधिकारी द्वारा अनाप शनाप आदेश जारी करने एवं सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में आज रोडवेज कर्मचारियों ने रोहतक रोडवेज डिपो पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र धनकर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जारी किए आदेश कल दोपहर तक वापस नहीं लिए तो रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। 7 अगस्त को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हमारे जो ट्रेड यूनियन है सेंटर की, उनके आह्वान पर हरियाणा रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पूरे प्रदेश का चक्का जाम था और पूरे प्रदेश के अंदर एक शांतिप्रिय इनडिसिप्लिन हड़ताल हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा, हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा, चंडीगढ़ स्थित जो मुख्यालय है, फरीदाबाद महाप्रबंधक द्वारा जो हमारे साथी को सस्पेंड किया गया है, साथ में हमारे नए चालकों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है, वो कल दोपहर तक यदि विड्रा नहीं किया जाता, आज पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन है। फरीदाबाद डिपो हमारा बंद पड़ा है। यदि आज शाम तक या कल दोपहर तक हमारे साथी का जो सस्पेंड किया गया है ऑर्डर विड्रा नहीं होते और जो चालकों की सेवा समाप्ति का नोटिस है वो भी विड्रा सरकार नहीं करती है, तो रोडवेज का कर्मचारी और रोडवेज संघर्ष समिति न चाहते हुए भी अगला कदम उठाने के लिए, जिसमें धरना, प्रदर्शन, जेल भरो और हो सकता है हड़ताल के लिए भी जाना पड़ जाए। हम दबाव की नीति के तहत सरकार जो इस विभाग का निजीकरण करना चाहती है, 700 गाड़ियां हायर करके विभाग में लाना चाहती है, वो इस प्रकार विक्टिमाइजेशन करने से, सस्पेंड करने से, टर्मिनेट करने से आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवार राज्य की सरकार होगी। हिंद एक्सप्रेस के लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।